पड़ा है, अभी इंदौर आसपास क्षेत्र में फार्मास्यूटिकल्स में जो भी इंदौर की फैक्ट्री हैं फार्मास्यूटिकल्स में, जो सावे रोड या पोलो ग्राउंड के आसपास हैं, जो भी पीथमपुर के एसईजेड में बहुत बड़ा हब है वहाँ की हैं, ये सारी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। इनको रॉ मटेरियल्स जो भी मिलता है वो सब उनको सप्लाई हो रहा है। दवाइयों में कमी नहीं होगी, होलसेलर्स में दिक्कत नहीं होगी। जो रिटेलर्स हैं, रिटेलर्स की दुकानें खुलनी चाहिए और उनको होलसेलर से कनेक्टिविटी प्रॉपर रहनी चाहिए। उनकी जो फील्ड लेवल का काम है उसको हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। कहीं गैप आते हैं, जैसे मान लीजिए किसी दिन दवा बाजार में कम दुकान खुली, तो हम लोग फिर उनके एसोसिएशन से बात करते हैं, वो लोग फिर उनको मोटिवेट करते हैं लोगों को, तो वो सब चीज़ें होती रहें। दवाइयों के बैकएंड पे दवाइयों का मैन्युफैक्चरिंग उनकी सप्लाई में कोई कमी कहीं नहीं है। सर, रेड कैटेगरी में और अस्पताल बढ़ाए जाएंगे? अभी जो व्यवस्था हो गई चौथराम लिया है, वो चौथराम में केवल क्रिटिकल पेशेंट्स भेजेंगे, वो मैं खुद मैनेज करूँगा। जिसको मैं बोलूँगा चौथराम में कोई वही जाएगा, बाकी वहाँ ओपीडी नहीं चलेगी चौथराम में। मिथिला में केवल क्रिटिकल पेशेंट्स या होने की स्टेज होगी उनको शिफ्ट करने की भी बात कर रहे हैं हम लोग। अभी हमारे पास अरबिंदो में इंडेक्स में सफिशियंट कैपेसिटी है, जिसमें कि रेड कैटेगरी के पेशेंट्स हम लोग उसमें ट्रीट करेंगे। इसमें क्या है कि वहाँ के जो कर्मचारी जो स्टाफ हैं उन लोगों को पीपीई किट और जो सिक्योरिटी प्रोडक्ट हैं वो उपयोग के लिए दिए नहीं जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ फ्रंट लाइन डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे पास पीपीई किट सफिशियंट है, तो अब चेक कर लेता हूँ, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं उसको वहाँ पीपी किट भिजवा देंगे। वैसे ठाकुर साहब मैनेज कर रहे हैं वहाँ पर अच्छे, क्योंकि टफ काम है। देखिए एम वाई सुप्रेंट का काम बहुत टफ कठिन है इस प्रेशर में, तो एम वाई सुप्रेंट ठाकुर जो हैं वो जैसे भी कर रहे हैं काम, लड़ते भिड़ते अपना संभाल के समझा के लोगों को कर रहे हैं, स्टाफ को भी मैनेज कर रहे हैं, बाहर के लोगों को भी संतुष्ट कर रहे हैं। ऐसे में कुछ कमी अगर होगी भी तो हम उसको पूर्ति करा देंगे। पीपी किट्स की कमी नहीं है हमारे पास। बेसिक जो सुविधाएँ हैं आम जनता तक वो पहुँचनी चाहिए। वो हम लोगों की किराना राशन व्यवस्था जो है पेमेंट बेसिस पे ऑनलाइन व्यवस्था जो है वो हर दिन इम्प्रूव हो रही है। कमियां हैं उसमें, हर दिन इम्प्रूव हो रही है। नगर निगम और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लगभग शहर में प्रत्येक वार्ड में औसतन 15 से 20 करीब हमारे किराना सप्लायर्स होते जा रहे हैं। उन सभी लोगों को जो लोडिंग ऑटो की सुविधा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं हम लोग। 85 नगर निगम उसको बियर करेगा, और दूध की व्यवस्था प्रॉपर्ली चल रही है। और अभी जो गरीब बस्तियों में जहाँ पर पैसा भी नहीं लोगों के लिए राशन खरीदने के लिए, वहाँ भी मुफ्त का जो ना जन समाजसेवी संस्थाओं जो सहयोग मिल रहा है, या जो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से फ्री आटा और चावल ये सब आ रहा है, या माननीय प्रधानमंत्री की योजना है उसके तहत भी हम लोग वृहद तौर पर उसकी पैकिंग करा के सब जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बंटवा रहे हैं उसको। और कंट्रोल में भी काफ़ी किराना हमारे यहाँ आया है, उसमें भी दुकानें हम लोग अगले 3-4 दिन में दुकानों को भरवा लेंगे। 20 तारीख तक चूँकि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के निर्देश हैं, 20 तारीख बाद ग्रेजुअली कैसे किराना से कंट्रोल की दुकानों से कुछ गरीबों को हम लोग दे सकते हैं उसको कुछ टोकन सिस्टम करके सिस्टमेटिक उसको भी उन लोगों को भोजन दिया जाएगा, किराना सामान दिया जाएगा वहाँ। सर, 5 दिन स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की बात कही तो हम वो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किस तरह का होगा सर? देखिए कल भी हम लोगों ने फ्लैग मार्च किया था, कई लोग लापरवाही करते हैं। इन 5-6 दिनों में जो हमारा अस्थायी जेल है इसमें जो भी गलत व्यक्ति बाहर घूमता पाया जाएगा उसको स्ट्रिक्टली हम लोग उठा के बंद करेंगे, क्योंकि जो भी हम लोग कर रहे हैं शहरी जनता के लिए कर रहे हैं। तकलीफ हो रही है हम लोग को मालूम है, शहरी जनता को तकलीफ होती है, घर में बैठना बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब लगता है, आदत नहीं है लोगों की, पर अपन असामान्य परिस्थितियों में एक वायरस को अपन से लड़ रहे हैं। अपन ऐसे में सख्ती रखना बहुत ज़रूरी है। लोगों का बाहर निकलना, बाहर से वायरस लेके आके अपने घर में इन्फेक्ट करना, फिर घर से इन्फेक्शन दूसरे मोहल्ले में जाना, उसी मोहल्ले में फैलना, ये चीज़ रोकनी बहुत ज़रूरी है इसको। और चीज़ें नियंत्रण में हैं अभी। अभी चूँकि हम लोगों ने पिछले 5-6 दिन में जो हम लोगों ने सैम्पलिंग की थी उसका बैकलॉग बहुत हो गया था, तो उसका बैकलॉग पूरा दिल्ली माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टेट में से भेजा है उसको, और वहाँ से टेस्टिंग रिपोर्ट आना शुरू हो जाएंगी। जैसे आज भी संख्या ज़्यादा थी, अभी 2-3 दिन संख्या ज़्यादा चलेगी, हो सकता है बढ़ के 200-300 और बढ़ें 2-3 दिन के अंदर। पर इसमें चिंता करने की बात इसलिए नहीं कि ये वो सारी सैम्पलिंग है जो हमारे कंटेनमेंट एरियाज़ के हैं या क्वारंटाइन एरियाज़ पे हैं, जो लोग उनका आइडेंटिफाई हो जाएगा। इसके अलावा कुछ अन्य अस्पतालों की जो सैम्पलिंग कुछ अगर पॉइंट्स लोकेशन मिलेंगी हम लोगों को बाहर की तो उसको भी तत्काल हम लोग कंटेन करेंगे, क्योंकि किसी भी एरिया में नए मोहल्ले में कोई केस आता है तो उसकी बैरिकेटिंग करना, उसको सैनिटाइज करना, उसके पॉजिटिव जो पेशेंट है उसको इंडेक्स में या अरबिंदो में शिफ्ट करना, और उसके जितने क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनको वहाँ से निकाल के क्वारंटाइन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। यही एक प्रक्रिया है जिससे कि अपन कंट्रोल कर पा रहे हैं इसको। तो अभी संख्या बढ़ेगी, संख्या 500 क्रॉस कर जाए, उसका टोटल संख्या 600 क्रॉस कर जाए, पर ये हम लोगों की नॉलेज में है, हम लोगों की बढ़ेगी संख्या। और हमारे लिए 800 बेड हमारे पास हैं अभी जिसमें कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स का हम ट्रीट कर सकते हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं है। ये इसी माध्यम से ज़्यादा सैम्पलिंग करना, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रखना, काफ़ी संख्या में क्वारंटाइन कर देना, 1500 लोग अभी हमारे अलग अलग कमरों में क्वारंटाइन है विभिन्न मैरिज गार्डन होटल्स में, इसी के माध्यम से अपने शहर में थोड़ा नियंत्रण पा पा रहे हैं, और ये अति आवश्यक है। ये जहाँ उन्होंने दान किया है, किस कितना दान आया है? 21 लाख दान किया है इन्होंने, बहुत बड़ी मदद है इस समय।
जो अस्पतालों की ट्रीटमेंट हम लोग बारीकी से देख रहे हैं उसमें बाईपैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेंटिलेटर से ज़्यादा लाभ बाईपैप्स से हो रहा है। मास्क रहता है जिसमें हाई फ्लो ऑक्सीजन का रहता है जिसमें, तो वो बाईपैप्स में इस पैसे को लगा रहे हैं हम लोग। 40 बाईपैप्स खरीदने थे, मैंने तो फिर ऑर्डर दे दिया था, आज हमारे पास करीबन 15 आ गए हैं और कल भी और आ जाएंगे, ऐसे करके दिल्ली से कुछ बुला रहे हैं। तो वो जो अस्पताल हमारे ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट्स को, उनको हम लोग ऐसी जन सहयोग से या रेड क्रॉस से फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं ये, तो वो बाईपैप्स में उपयोग में ले रहे हैं। जो आज उन्होंने आए थे 21 लाख का चेक लेके, तो मैंने अपने असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज को बोला है कि जो डीलर्स हैं, वो डीलर्स की मीटिंग ली थी मैंने अभी, उन डीलर्स को सीधे भुगतान करा दें ताकि जो डिलीवरी मिनट फास्ट हो जाएगी हमारी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।